जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक विद द न्यू इन्फॉर्मेशन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एआर डिफेंस क्लास में। आज के दोस्तों टॉपिक रहेगा हमारा बीएसएफ न्यू वैकेंसी से रिलेटेड, बीएसएफ बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी फोर्स, इसमें न्यू वैकेंसी आई है दोस्तों। ग्रुप ए बी सी तीनों पोस्ट में दोस्तों न्यू वैकेंसी आई है, जिसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, तो पूरा कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिएगा। अब चलिए फॉर्म फिलअप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको बताया जाएगा दोस्तों, विथ लिंक एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर डिस्कस कराया जाएगा, हाइट मेजरमेंट और एज लिमिट भी यहाँ पे इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि क्या क्या पोस्ट है, उसमें क्या क्या लगेगा। तो देरी ना करते हुए हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले जानते हैं फॉर्म फिलअप डेट के बारे में, कब से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट कब तक रहेगा। तो दोस्तों 18 मई 2024 से इसका जो है फॉर्म फिलअप एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो रहा है, और इसका जो लास्ट डेट रहेगा 16 जून लास्ट रहेगा। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जानते हैं, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले जो स्टूडेंट हैं उनको 100 रुपये फ़ीस पे करना पड़ेगा। एससी एसटी एक्स सर्विस मैन और या फिर जो फीमेल कैंडिडेट है, आप फीमेल कैंडिडेट जैसे आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको कोई भी फ़ीस पे नहीं करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोई भी फ़ीस नहीं रहेगा आपके लिए। बीएसएफ ग्रुप ए बी सी तीनों के लिए पोस्ट है। तो सबसे पहले जानते हैं पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 99 पोस्ट है, टोटल आपको 144 पोस्ट दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर पोस्ट नेम से लेकर क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के बारे में जानते हैं, तो एसआई स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए दोस्तों इसमें 14 पोस्ट दिया गया है। क्वालिफिकेशन जीएनएम आपका कंप्लीट रहना चाहिए, एज लिमिट जो है 21 से 30 के बीच में रहना चाहिए। वहीं एसआई लैब टेक्नीशियन के लिए दोस्तों 38 पोस्ट रहेगा, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन रहना चाहिए। आपका जो एज है वो 18 से 25 वर्ष के बीच में रहना चाहिए। एएसआई साइको के लिए दोस्तों तो 47 पोस्ट इसमें दिया गया है, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी रखा गया है दोस्तों क्वालिफिकेशन, और जो है एज लिमिट 20 से 27 ईयर तक है, यानी 20 से 27 वर्ष रखा गया है। एस एम टी वर्कशॉप के लिए दोस्तों 37 पोस्ट इसमें है, जैसे कि एसआई व्हीकल मैकेनिक के लिए 3 पोस्ट दिया गया है यहाँ पे, और कांस्टेबल ओटीआरपी के लिए 1 पोस्ट, कांस्टेबल एसकेटी के लिए 1 पोस्ट और कांस्टेबल फीटर के लिए 4 पोस्ट, जिसमें दोस्तों यहां पर व्हीकल मैकेनिक यानी 3 पोस्ट वाले के लिए डिप्लोमा इन रिलेटेड फील्ड में दिया गया, जिसमें एज 30 ईयर बताया गया है, और आईटीआई इन प्रिस्पेक्टिव ट्रेड ये सेकंड वाला दोस्तों, इसमें जो है एज आपका 18 से 25 वर्ष रहना चाहिए। कांस्टेबल एसकेटी के लिए 1 पोस्ट दिया गया है, जिसमें दोस्तों आईटीआई इन प्रिस्पेक्टिव ट्रेड विथ एक्सपीरियंस, यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, जिसमें 18 से 25 वर्ष आपका जो है वो एज रखा गया है दोस्तों। कांस्टेबल फीटर के लिए 4 पोस्ट दिया गया, आईटीआई प्रिस्पेक्टिव ट्रेड विथ 18 से 25 वर्ष आपका जो है एज रहना चाहिए। कांस्टेबल कारपेंटर के लिए 2 पोस्ट दिया गया है, लगभग दोस्तों इसमें आईटीआई ही मांगा गया है, आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, और एज जो है वो सिमिलर रखा गया है। मैं यहाँ पर पोस्ट नेम बता देता हूँ और दोस्तों पोस्ट का नाम बता देता हूँ। कांस्टेबल ऑटो इलेक्ट्रिकल के लिए दोस्तों 1 पोस्ट है, कांस्टेबल व्हीकल में कहीं व्हीकल से रिलेटेड दोस्तों आपको 22 पोस्ट दिया गया है, और कांस्टेबल बीएसटीएस के लिए 2 पोस्ट दिया गया है, और कांस्टेबल बीएसटीएस के लिए 1 पोस्ट दिया गया है दोस्तों, जिसमें एज सिमिलर रखा गया है और जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम रखा गया है। वेटनरी स्टाफ के लिए दोस्तों 3 पोस्ट रखा गया है, जिसमें हेड कांस्टेबल वेटनरी के लिए 1 पोस्ट और कांस्टेबल के लिए दोस्तों कैनल मैन के लिए 2 पोस्ट रखा गया है, जिसमें आप सिंपल 10th पास रखा गया है विथ एक्सपीरियंस ध्यान देंगे, और इसके लिए 12th पास विथ बायोलॉजी है दोस्तों। यहाँ 18 से 25 वर्ष जिसमें आपका एज जो है रखा गया है। लाइब्रेरियन के लिए 2 पोस्ट है, जिसमें इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन के लिए 2 पोस्ट है, डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस जो है इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया, एज लिमिट जो है वो 30 ईयर जो है दोस्तों। अब आपका जो जानेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, फिर स्किल टेस्ट लिया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके फिर मेडिकल आपका जो है एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जो कि जैसे कि
होता है फिजिकल में दोस्तों, जैसे कि रनिंग वगैरह हो गए और कुछ भी है, वो उनका प्रोसेस रहेगा। यदि मेंशन करते हैं तो मैं आपको या कुछ भी उनके तरफ से नोटिफिकेशन आएगा तो अगले वीडियो जो है दोस्तों BSF से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगा आपके लिए। कैसे अप्लाई करना है तो दोस्तों मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, लिंक जाइए, वहाँ पर जाइए, लिंक को क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप हमारे वेबसाइट में इंटर हो जाएंगे। फिर यहाँ पर आकर अपना आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जानना है या फिर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करिए। हम दोस्तों एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बनाते ही रहते हैं। तो आज के वीडियो बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।